वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। सदानंद परमात्मा को नमस्कार करके आप लोगों के समक्ष जो आई को बात कहता हूँ, अपने बड़े भाग्य की बात है जो भगवत चर्चा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। भगवान की कथा कहना और सुनना ये लोक और परलोक में सब तरह ही कल्याण करने वाली चीज है, जिसमें फिर आज कलयुग में और इसकी महिमा ज्यादा है अधिक। जितना समय गिरता है उतना ही उतना भगवान का महत्व विशेषता से प्रकट होता है। योग्यता कम होती उतनी दया का ज्यादा होती है। जैसे बालक है, छोटे बालक पर माँ की कृपा विशेष रहती है, समर्थ है, योग्य है, उस पर इतने नहीं। ऐसे ही इस युग में हम लोग अयोग्य हैं, हमारी बुद्धि बल विद्या योग्यता अधिकार बहुत छोटा है, तो भगवान विशेष कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर हम लोगों को ये अवसर मिला है, भगवान की बहुत विशेष कृपा है, कृपा में कृपा। एक तो कबूक करी करुणा नर दे ही देश ईश बिन हेतु समय बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु,
कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। एक तो बिना हेतु कृपा करने वाली ये कृपा उनकी सहज, और फिर कृपा करी फिर वो कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, दुगुनी कृपा हो गई बिना एक समय करने वाले, ये तो उनका स्वभाव। और कृपा करुणा करके फिर मनुष्य ही देते हैं, ये दूसरी कृपा। और उसमें विशेष करके और सत्संग का अवसर मिल जाए, उसमें भी विलक्षण कृपा। दो कृपा तो मानव शरीर में हो गई, और मनुष्य शरीर मिलने पर भी फिर भगवान की चर्चा मिल जाना, ये बहुत ही भाग्य की बात, बहुत विशेष कृपा की बात है। तो भगवान की अलौकिक कृपा है, और वो ही भगवान के दरबार में। ये जो भगवान श्री गोविंद देव जी महाराज का स्थान है, ये दिव्य देश कहलाता है। दिव्य देश, इस देश में जैसे आपका जयपुर देश है, इसमें ये अलौकिक दिव्य देश है, शुद्ध देश है। कितने प्राणी, हजारों हजारों प्राणी हो जाना भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, कितनों की विलक्षण विलक्षण भावना रहती है। और वर्षों से वर्ष की वर्ष बीत गए, और कथाएं तरह तरह की, व्याख्यान और कीर्तन आदि किया होते रहते, तो ये देश बहुत पवित्र है। इस देश में आ जाना है वो भी एक भगवान की बहुत विशेष कृपा। और वहां आकर फिर हम भगवत चर्चा कहे और सुने, कहना ही क्या है। चेत होता है, होश आता है, इस देश में आते ही पवित्रता आती है, निर्मलता आती है, स्वाभाविक विलक्षणता आती है। ऐसी जगह हम आ गए। अब भाई विशेष सावधानी रखना है, अपना समय सार्थक बनाना है। जो हमारे पास समय है, हर समय भगवान को याद रखें। और याद कैसे रखें, थोड़ी सी आप दृष्टि डालेगा, थोड़ी सी बुद्धि लगावे, स्वाभाविक जैसे हम यहां बैठे हैं तो देखते हैं कि ये हमारा घर नहीं है, ये श्री ठाकुर जी का दरबार है। हम तो यहाँ सत्संग सुनने कहने के लिए आए हैं। अगर आप कृपा करके ऐसे अपने घर को मान ले कि घर है वो ठाकुर जी का घर है, हम तो यहाँ ठाकुर की आज्ञा पालन करने के लिए आए हैं, इन लोगों की सेवा करने के लिए, और जब समय होगा तो चल देंगे। अगर ऐसे ही आप वहां रहें, कितनी विलक्षण बात है, बहुत विशेष कृपा से लाभ ले सकते हैं। ये युक्ति तो हमें आती है, इस विद्या को तो हम जानते हैं, नहीं तो यहाँ कैसे बैठे हैं, यहाँ कर बैठे हैं, यहाँ की वस्तुओं को काम में ले रहे हैं। जगह है, बिछोना काम लेते हैं, लाइट को काम लेते हैं, मंडप को काम में लेते हैं, सब काम लेते हुए भी इसको अपनी नहीं मानते, अपनी जगह कहते हुए भी जैसे ममता करने वाला आदमी अपनी मानता, ऐसे हम अपने नहीं मानते। कह देते हैं हमारी जगह है, और कहते हुए भी मानते हैं ये ठाकुर जी का मंदिर है, सत्संग करने के लिए हम आए हैं, अब कब्जा करने के लिए नहीं। दादू दावा दूर कर निर्धावे दिन काट, कई कई सौदा कर गई तो पंसारी की हाथ। दादू दावा दूर कर, दावा कर देता है कि नहीं हमारा ही हमारा है, निर्धावर काट, जैसे हम समय काट रहे निर्धावे दवा नहीं हमारा, कैसे विलुप्त हुआ।
निर्दय वचन का अर्थ दावा क्या, दावा भगवान का है। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो वहां, दावा ना है संत का जिसे जो ले जाए, इसमें जो ले ले उसी का ही हो जाए। ऐसा नहीं अमुक ने ठेका ले लिया हो, साध्वी साध्वी कृष्ण न ले भाई ले बहना न ले बहना ले भाई न ले ब्राह्मण रहे क्षत्रिय वेश शूद्र न रहे अंत न ले कोई दावा जीते सो ले जा, चाहे कोई इसको जब ले जा। इस तरह से भाई अपने पर भगवान की विशेष कृपा हुई है, कृपा में कृपा कृपा में कृपा, ऐसी कृपा की तरफ देखता रहे। जैसे ब्रह्मा जी ने दसम स्कंद में कहा है तत्तेनुकम प्राम सुसमेक्षमाणो पुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाक भेद भेदन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय वाक तत्तेनुकंपाम सुसमेक्षमाण आपकी अनुकंपा को अच्छी तरह से देखता है, कृपा ही कृपा बरस रही है ऐसी कृपा को देखता है और अपने किए कर्मों का फल भोगता रहे, सुख और दुख आता रहे, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहे। इसको भुंजाने का कारण इसका भोग नहीं करना है और मैं सुखी दुखी नहीं होना है। आत्मसिंह के पाक भुंजान हृद वाक बपुर हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता हुआ जो रहता है सब मुक्ति पदे दाय भाग, वो मुक्ति पद का हकदार होता है। यहाँ दावा नहीं, मुक्ति पद पर दावा है उसका। कैसी विलक्षण बात, यहाँ निर्णय पर है भगवान के नाते यहाँ रहे, किसी चीज पर अपना दावा न देना, रहना है। और रहने में कितनी है कि सब सहूलियत भगवान की दी हुई उसको लेता रहे, परंतु उसमें दावा न लगाओ, जबरदस्ती न करे, आग्रह न रखे, अपनी चीजें भगवान की दी हुई ऐसे समय खूब प्रसन्नता रखे। भगवान का दिया प्रसाद है सज्जनों, ये घर है बारे जो है ये भगवान के दिया प्रसाद है, उसमें हम रहते और भगवान के हैं ही, और यहाँ हम काम करते हैं वो हमारा व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्ति वर्गत तो जिम्मेवारी है, वो काम करना व्यक्तिगत है पर हमारी व्यक्तिगत वस्तु नहीं। काम भगवान का करते हैं और जो मिलता है वो भगवान का प्रसाद है। मंदिरों में काम करने वालों को भगवान की पत्थर मिलती है, भगवान का प्रसाद मिलता है, उनसे अपना निर्वाह करते हैं। ऐसे हमारो जो मिल रहा है वो केवल प्रसाद है, उससे हम भी अपना निर्वाह करते हैं और हमारे आश्रित कहलाने वाले स्त्री पुत्र परिवार वाले जितने बड़े छोटे समान अवस्था वाले हैं उनका पालन करते हैं, उनको भगवान के समझकर भगवान के नाते ऐसे हम यहाँ जीते मुक्ति पदे सदाय भावा, वो मुक्ति का भागीदार है सुत है, क्योंकि मुक्ति पद नाम छूटने का है। तो यहाँ ना राग करे ना द्वेष करे, ना भला समझे ना बुरा समझे, ना स्तुति करे ना निंदा करे, ना सुखी होवे ना दुखी होवे, यह होने वाला थोड़ी तो रास्ता है। ये तो मार्ग है, मार्ग में अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आते, इन दोनों के आने पर हम सुखी दुखी न हो, ये भोग स्थान नहीं है, ये भक्ति स्थान है। सुखी दुखी होना ये भोग है,
सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, ये भोग भोगने दे यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल भोग नहीं है, ये तो बस स्वर्ग के स्वर्ग के लिए कोई करे यज्ञ, ये निश्वार स्वर्ग प्रार्थयन्ते उनको भी कहता वो भी स्वर्ग अंत दुखदायी चेहरे पुण्य बढ़ते लोग तो यहाँ आकर सके तो केवल भगवान की तरफ जलवा है। जैसे यहाँ आकर के केवल सत्संग सुनना और कहना और विचार करना है या कोई दूसरा आरंभ नहीं करना है, ऐसे ही घर में रखे हुए सर्व आरम्भ परित्यागी गुणाती का सब सर्व आरम्भ पर यू मधुभक्त समय ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग अपने लिए कोई आरंभ नहीं है, काम करते ठाकुर जी का करते भगवान का करते। बच्चा छोटा है माँ के पास बैठा है, माँ गर्ज करती है कि बेटा दूध पी ले, तो दूध पीता है माँ पर एहसान करता है, देख माँ तेरे कहने से दूध पिया, हाँ बेटा मेरे को निहाल कर दिया सर दूध पी लिया, जैसे वो एहसान करते ऐसे भगवान पर एहसान कर सकते हैं कि आपका काम करते हैं आपके दरबार रहते हैं दरबार में आपके प्रसाद पाते हैं आपके हमारे आपके प्रसाद से आपके जनों की हम सेवा कर रहे हैं, भगवान ये बिल्कुल ठीक मानते भाई ठीक है सच्ची बात ये सब भगवान के ऐसे भगवान की सेवा में रहते हो मस्त रहे, जाना पड़े तो खूब मौज से जावे, रहना पड़े तो खूब मौज से रहे, साहिब विद राखे राम साहिब विद रहिए कि सीताराम 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 कहिए, साहिब विद राखे राम साहिब विद रहिए, जैसे जैसे जहाँ रखेंगे राम जी वहाँ रहेंगे दास, ठाकुर जी की जहाँ मर्जी हो गया वही हम रहेंगे वैसे ही करेंगे, कितनी मौज की कितनी आनंद की कितने सुख की कितनी विलक्षण बात बताओ, ऐसे रहते ही उसको याद करते रहे सावधान रहे, उनमें भी फिर विशेषता से सत्संग का मौका मिल जाए, जैसे भी पाठ करने का अवसर मिल गया हनुमान जी महाराज के सर पे गोसाव जी महाराज के लिखे हुए कितने सुंदर है वो बातें मिल गई, कैसी एक कृपा भगवान की विलक्षण हो गई है, ऐसी कृपा को देखते हुए मस्त रहे आनंद विभोर चलते फिरते उड़ते बैठते ऐसे समझे कि भगवान ने कोई विलक्षण कृपा कर हमारे पर तो अलौकिक कृपा हो गई भगवान, भाइयों बहनों हम पूरा समझ नहीं सकते भगवान जितने कृपा करते हैं उतने समझने की हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम जान नहीं सकते हैं मान सकते हैं वो भी बुद्धि के अनुसार पूरा नहीं मान सकते, जानना भूल रहा ऐसे समझ लो एकदम अनुकंपा से समीक्ष मारा देखता हूं मस्त होता रहे चलते फिरते उड़ते मन में सुनना चाहिए कि भाई मैं तो इसके योग्य नहीं था, ये भगवान की कृपा कैसे होगी, अरे योग्य पर कृपा हो तो वो कृपा क्या है, वो तो योग्यता का फल है, कृपा तो उसी का है जो अयोग्य पर हो, हम योग्य नहीं हम अधिकारी नहीं ऐसे पर भी कृपा है, ये भगवान की अलौकिक कृपा है विलक्षण कृपा है, ऐसे समझते हुए मस्त रहे और सत्संग कथा सुनते रहे, इनमें अच्छी अच्छी बातें आती है वे अपने लिए आई है, ये मेरा बस नहीं है कि मैं बढ़िया बात कह दूं और आपका भी ये बस नहीं है कि मेरे से बढ़िया बातें आप खेच ले लें, आप हम निमित्त मात्र हैं, वो कृपा करके सद्बुद्धि देते हैं तब हम कहते हैं और आप सुनते हैं, मूल में भगवान की कृपा है, कृपा की तरफ देख मेरे आता हूं वो कर रहे हैं और करी है करियाए और करते हैं और करते रहेंगे, स्वभाव कृपालु है
ये आदर्श प्रत्यय स्वभाव होता है, आदर्श उनमें कोई विलक्षणता नहीं। जैसे सूर्य भगवान आकर प्रकाश करते हैं तो भगवान कोई ऐसा नहीं करते हैं, कोई नया काम नहीं करते हैं, कृपा करने का स्वभाव उनका प्रकाश स्वभाव है, स्वभाव प्रकाश हो जाता है। ये अभिमान नहीं सूर्य में कि मैं प्रकाश कर दूं यहाँ आकर के, ऐसा नहीं, स्वतः स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे भगवान कृपा, उनकी कृपा स्वतः स्वाभाविक हो रही है। कैसी एक विलक्षण बात, किसने एक कृपा की विलक्षण बात, ऐसे समझते हुए हरदम भगवान का नाम लेते रहे। वो नाम कोई हम साधन करते हैं, भगवान को रिझाते हैं नहीं, भगवान की कृपा को याद कर कर लेते हैं। जैसे बच्चा माँ 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 कहता है तो कोई गिनती का नाम लेता है क्या, कोई नियम करता है, क्यों कहता है कि कहीं भी नहीं जाता, माँ 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 प्रियता लगती है। ऐसे प्यार से भगवान का नाम लेते रहे, कोई ये साधन करते हैं इससे साध्य सिद्धि प्राप्त करेंगे, हम कोई अलौकिक काम करते हैं, अलौक क्या है, माँ 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 हमारे भगवान हरी माए राम 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 राम, भगवान का नाम लेते रहे, खूब मस्त रहे, आनंदित रहे। सज्जनों इस आनंद में लोग परलोक सब शुद्ध होते हैं। अगर इसकी मस्ती ठीक रहे तो सही में रोग नहीं हो सकता, शोक चिंता भय आदि तो रहे क्या, व्याधि नहीं रह सकती। ऐसी विलक्षणता है इस मस्ती में, शरीर विलक्षण हो जाता है, शरीर पर एक विलक्षण असर आता है। हर हालत में मस्त रह सकते, शरीर चाहे बीमार रहे, ठीक रहे, कमजोर रहे, परंतु भीतर में कमजोरी नहीं है। भगवान का बल स्वाभाविक रहता है और वो कृपा सब पर समान रीति से, उसकी ऐसी बात नहीं कि ये कृपा थी वहा कुछ और रहा, स्वाभाविक स्वतः वो कृपा है। ऐसे मस्ती से अल्पत रहते नारायण 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 नारायण। अब करे पास मौत से मस्ती से श्री हनुमान जी महाराज के चरित्रों को। 23 सितंबर 1989 को 8 बजे जयपुर में हुए। राम।